सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। सुर सागर से जो दो पद आपके लिए यहाँ पर लिया गया है, तो उसके पहले पद में हमने ये पढ़ा था कि कैसे श्री कृष्ण जी अपने माँ से बड़े भाई बलराम के बारे में शिकायत कर रहे हैं और क्या कहकर माँ उन्हें समझा रही है। जो उनका जो दूसरा पद है आपके लिए, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण अपने बाल लीला कर रहे हैं, मतलब उनके आंगन में कैसे वो खेल रहे हैं, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए इसे हम समझते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई कजरी धौरी, गैनी टेरी बुलावत। कबहू क बाबा नंद पुकारत, कबहू क घर में आवत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चित्ते प्रतिबिंब खंभ में, लेनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सुर श्याम के बाल चरितिये, नित देखत मन भावत। तो जैसे कि आपने देखा, सुर श्याम के बाल चरितिये, तो श्याम जी के, कृष्ण जी के बाल चरित्र यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्या वर्णन किया गया है कि वो अपने आंगन में खेल रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, कि अगर इसका अर्थ हम पहले समझ लेते हैं तो शब्द का अर्थ हम खुद ही ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इसका सारांश ये है, ये जो पद है दूसरा पद, इसका सारांश ये है कि भगवान कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। और अपने गाते हुए अपने नन्हे नन्हे पैरों से, चरणों से वो नाच भी रहे हैं और उनका मन मगन हो रहा है। कभी वो हाथ उठाकर उनके जो काली और सफेद गायें हैं उनको बुला रही है, तो कभी अपने बाबा को बुला रहे हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, घर के बाहर आकर थोड़ा खेल लेते हैं। और थोड़ा सा लवनी लेकर, वो मक्खन हाथ में लेकर अपने प्रतिबिंब को खिला रहे हैं। और ये जो सारे उनके जो लीला है, उनका जो खेल है, वो कौन देख रही है, जसुमती यशोदा मैया देखकर मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं। तो आप इसमें से ये सारे अर्थ आप समझ पाएंगे। अभी हरि, तो हरि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, हरि शब्द श्री कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी के लिए यहाँ पर लिया गया है। हरि अपने अपने आंगन, आंगन आप जानते हैं घर के सामने जो छोटा सा जगह होता है, हम उसे आंगन कहते हैं। तो घर के आंगन में कछु, कछु मतलब कुछ, श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में कुछ गावत, गा रहे हैं। आपने पहले ही पहले पद में जैसे गावत, रिझावत, लावत, कहत, ये सारे जो आपके जो क्रिया को जिस रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, उसका अर्थ अब अभी आसानी से समझ पाओगे। गावत मतलब गा रहे हैं, हरि अपने आंगन में, कृष्ण जी अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। और गा कर क्या कर रहे हैं, तनक तनक चरणन, तनक तनक मतलब नन्हे नन्हे, तनक का अर्थ हो गया नन्हा। और हम उसे छोटे छोटे भी कह सकते हैं, छोटा, तो छोटे छोटे चरणन, चरणन चरण, उनके जो पांव हैं, छोटे छोटे पांव से सौ, यहाँ पर एक परसर्ग आपके लिए लिया गया है, सौ, सौ का मतलब से, वे अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण से नाचत, नाच रहे हैं। मन ही रिझावत, मन में ही वो रिझावत, रिझावत आप पहले पद में पढ़ चुके हैं, प्रसन्न होना, खुश होना, तो अपने मन ही मन वो खुश हो रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं मन मगन हो रहे हैं। बाह ऊंचाई, बाह, बाह ऊंचाई, हम इसका अर्थ पहले ही कह चुके हैं सारांश में, कि वो कैसे हाथ उठाकर अपने गायों को बुला रहे हैं। तो बाह ऊंचाई, बाह मतलब बाह, हाथ, हाथ ऊंचाई उठाकर, काजरी, काजरी मतलब काली,
और एक शब्द हो गया आपका धौरी, तो इसका विपरीत हम कह सकते हैं कजरी का विपरीत हो गया धौरी। धौरी मतलब सफेद, जो काले रंग काली रंग की जो गाय है और जो सफेद रंग के जो उनके जो गायों को वो बुला रहे, वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। गैनी कजरी धरी गैनी, गाय के साथ उन्होंने यहाँ पर परसर का इस्तेमाल किया है गायों को। टेरी बुलावत, बुलावत मतलब बुला रहे। यहाँ पर एक जो शब्द है टेरी, इसका अर्थ आपको नहीं दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये है हिंदी साहित्य में हम ज़्यादातर जो पतली शाखाएँ हैं, जो टहनी होती है, आप टहनी शब्द जानते होंगे, जो छोटे छोटे जो शाखाएँ होते हैं ना पेड़ के, उन्हें हम टेरी कहा करते हैं। तो हो सकता है वो हाथ में जो पतली शाखा है डाली है, उसे हाथ में लेकर वो कजली कजरी धौरी गायों को, मतलब काली और सफेद गायों को अपने पास बुला रहे हैं। कबहू को कभी क्या करे, कबहू का मतलब कभी कभी। बाबा नंद पुकारत, उनके जो बाबा नंद थे उन्हें पुकारत पुकार रहे हैं। कबहू को फिर से आ गया कभी, घर में आवत, फिर कभी क्या करे घर के अंदर, घर में घर के अंदर आवत आते हैं, तो हम कह सकते हैं घर के अंदर चले जाते थे। तो वो बाहर आकर अपना हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुलाते थे, कभी बाबा नंद को बुलाते थे और कभी क्या करते थे घर के अंदर चले जाते थे। माखन तनक, तनक शब्द का अर्थ आपने पढ़ लिया है छोटा, तो यहाँ पर तो छोटा नहीं होगा, हम इसका अर्थ और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा अल्प, जिसे हम अल्प कहते हैं, तो थोड़ा सा माखन तनक, थोड़ा सा माखन अपने कर लिए। जैसे कि आपने बाहर देखा था हाथ, कर का कर उसका प्रतिशब्द है, कर का अर्थ क्या है, हाथ है, हथेली पर, अपने हथेली पर थोड़ा सा माखन लेकर क्या कर रहे हैं, वो लेकर तनक बदन में नावत, थोड़ा सा माखन हाथ में लेकर थोड़ा सा क्या करे अपने बदन में मुंह में नावत, नावत मतलब लगाते हैं। कबहू का चिते, कभी क्या कर रहे हैं चिते, चिते मतलब देखकर, तो यहाँ पर एक शब्द जो आपका है चिते मतलब देखना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देखकर। कभी क्या कर रहे हैं खंभ में, खंभ मतलब स्तंभ, खंभा, तो खंभे में वो क्या करे अपना प्रतिबिंब साया छवि को देखकर क्या कर रहे हैं लेनी लिए खवाबत। कभी क्या कर रहे हैं जो उनके घर में जो खंभ है उस खंभे में अपने छवि को प्रतिबिंब को देखकर थोड़ा सा लेनी लिए, लेनी मतलब लवनी, माखन लेकर खिलाते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेकर वो क्या कर रहे हैं माखन लेकर अपने प्रतिबिंब को खंभे में, अपने प्रतिबिंब को छवि को देखकर उसका थोड़ा सा खिलाते हैं और थोड़ा सा अपने बदन में लगाते हैं। दूरी देखती जसुमती, दूरी यहाँ पर एक शब्द आपका है दूरी, दूरी मतलब छिपकर, दूर से छिपकर, कौन छिपकर ये सब देख रही है जसोमती, यशोदा छिपकर ये सब देख रहे, ये लीला अर्थात वो जो जो कर रहे हैं उनका कार्य, श्री कृष्ण जी के सारे जो कार्य हैं, जो घर में जो वो खेल खेल रहे हैं उसे छिपकर यशोदा देख रही है। हरस आनंद बढ़ावत, अपने के अंदर के जो खुशी है उसे वो बढ़ा रही है अर्थात आनंदित हो रही है। सुरु श्याम के बाल चरित है, श्याम जी के ये जो बाल चरित नित देखत मन भावत, नित मतलब प्रतिदिन रोज देख कर भी उनका मन भावत तृप्त हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि हर रोज उनके ये बाल चरित देख कर भी यशोदा का मन तृप्त नहीं होता है, वो जब भी ये देखती हैं मन ही मन खुश हो रही है। तो इसमें जो सारे शब्द लिए गए थे उसका अर्थ आपने समझ लिए हैं, अभी इसको लेके आप अपने सरल भाषा में अगर इसका सारांश लिखेंगे तो
तो क्या लिखेंगे हम लोग? भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं, वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाच रहे हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी वो हाथ उठाकर उनकी काली सफेद गायों को पास बुला रही हैं, तो कभी नंद बाबा को बुलाते हैं, और कभी वो क्या करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाकर वो थोड़ा सा माखन हाथ में लेकर खाते हैं तो और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। और क्या करते हैं वो, कभी खंभ में वो अपना प्रतिबिंब छवि को देखकर उसे भी माखन खिलाते हैं। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। सूरदास कह रहे हैं, यहाँ पर सूरदास क्या कहते हैं कि कहते हैं कि श्याम जी की कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी उन्हें इतना आनंद देती है, वो इतना आनंदित हो रही है कि उनको ये सब बड़ी प्यारी लगती है। इसमें उनका मन जितना भी देखे, रोज चाहे ये बाल चरित्र वो जितना भी देख ले, उनका मन तृप्त नहीं होता है। तो आपने दोनों पदों को समझ लिया और इसको लेके इसमें जो सरल भाषा में समझाने के लिए है और जो सारे जो वाक्य बनाने के लिए प्रतिशब्द है उसे समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।